इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और फिलहाल जो डिस्कशन किया जा रहा है इवन मेरे हिसाब से दो लेक्चर से है ना, दो तीन लेक्चर से हम लोग पिछले क्लास तक रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन को देख रहे थे। रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन का मतलब जो स्टूडेंट्स हमने देखा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इन दो तरीकों से हमने रेजिस्टर को कंबाइन किया था और उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट करंट उस सर्किट में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था। अगर आप लोगों को याद होगा तो ध्यान होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह हम आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं। अगर हम अपने सर्किट में तीन रेजिस्टर ले रहे हैं, तीन रेजिस्टर को सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा R1 + R2 + R3, ठीक है स्टूडेंट्स। और पैरेलल में अगर आप बात करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट क्या मिलता है आपको, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। लास्ट में पैरेलल वाला ही डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर हमने इस चीज़ को क्या किया था, हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा, जब हम रेजिस्टर को सीरीज या पैरेलल वे में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे जनरली आपको इतना ध्यान रखना है कि उनमें यानी उस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या क्या खास बातें होती हैं। यह खास बातों का मतलब क्या कि पूरे ओवरऑल जितने भी रेजिस्टर उसमें ज्वाइन है उनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, क्या सबके क्रॉस अलग आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, या फिर सब में मीन्स सारे रेजिस्टर में अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो कितना हो रहा है, क्या सब में सेम हो रहा है या फिर डिफरेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस कर मीन्स वहाँ ध्यान रखनी, डिस्कस तो हमने कर रखा है कि भाई हमने यहाँ जानते थे हम कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका अमाउंट ऑफ करेंट होता था हर रेजिस्टर के क्रॉस क्या होता था, सेम होता था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के क्रॉस डिफरेंट होता था। वहीं पैरेलल में इसका ठीक उल्टा था, यानी जब हम रेजिस्टर को पैरेलल वे में कंबाइन करेंगे ज्वाइन करेंगे तो उस केस में रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आता है, लेकिन अमाउंट ऑफ करेंट जो होता है वो डिफरेंट फ्लो होता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस। तो ये बातें हम पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखी थी। हाँ, इसमें एक चीज़ और आप आगे जान लीजिए, आगे क्या स्टार्ट करने के जानना है कि देखिए सीरीज में क्या था। आप अगर देखें सीरीज में ज्वाइनिंग करें रेजिस्टर की, इस तरीके से ज्वाइनिंग करेंगे है ना, नाम दे देंगे आप इसको R1, R2 और R3, अमाउंट ऑफ करंट आई फ्लो कराइए। वहीं पैरेलल में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं है ना, कुछ इस तरीके की ज्वाइनिंग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो देखिए क्या इसमें डिफरेंट, मैं डायग्राम क्या से आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेसिस्टर को ज्वाइन कर देते हैं तो उस केस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि चूंकि सारे रेसिस्टर एक दूसरे से एंड टू एंड इस सीरीज में ज्वाइंट है, तो होता क्या है कि अगर कहीं किसी एक रेसिस्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी एक रेसिस्टर में दिक्कतें आ जाती हैं या वो डैमेज हो जाता है, तो उसके डैमेज हो जाने से इसके साथ जो बाकी ज्वाइनिंग में है उनका भी वर्किंग स्टॉप हो जाएगा है ना। इसमें सबसे बड़ी मतलब कह सकते हैं ये कमी ही एक तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि इसमें क्या होता है कि अगर एक भी रेसिस्टर डिफेक्टिव निकला या उसने वर्क करना बंद किया तो उसके वर्क करने बंद कर देने से क्या होता है कि बाकी के रेसिस्टर भी वर्क करना बंद कर देते हैं है ना। तो इसमें ये डिसएडवांटेज रहता है, याद रहना चाहिए आपको। और पैरेलल में ऐसा कुछ बात नहीं होता है, पैरेलल में अगर कहीं एक डिफेक्टिव निकलता है, ठीक है, अगर बाय द वे इसमें ये आपका डिफेक्टिव निकल जाता है, डिफेक्टिव कहने का मतलब कि वर्क करते करते कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने से वाट एवर कहना हो, कुछ होने से ये डैमेज हो गया। अगर ये डिफेक्टिव हो गया, डैमेज हो गया, तो बाकी जो वर्क कर रहे थे जिसके साथ पैरेलल में कंबाइंड थे इनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, मीन्स ये अपना वर्क प्रॉपरली वैसे ही करते रहेंगे जैसे ये करते आ रहे हैं। तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर माना जाता है, यानी कि जब कहीं भी हम अगर हमें रेजिस्टर को ज्वाइन करने की बात आती है तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम किस वे में जोड़ें, पैरेलल वे में जोड़ें। सीरीज वाला ज्वाइनिंग सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो तरीका है उसको हम ज़्यादा नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस केस में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्क करना बंद करता है तो बाकी भी वर्क करना वहीं पर स्टॉप कर देते हैं।
तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसमें इस बात को अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टर्स इज प्रीफर्ड, इज प्रीफर्ड देन देन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपेरिजन में ज़्यादा हम प्रेफरेंस इसको देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। रीजन है इसमें सिंपली हम ये रीजन सकते हैं बिकॉज, है ना, ये जो कह सकते हैं बिकॉज, क्या लिख सकते हैं रीजन कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वन रेसिस्टर, इफ वन रेसिस्टर गेट्स डैमेज्ड, गेट्स डैमेज्ड, गेट्स डैमेज्ड देन देन अदर विल नॉट अफेक्ट। क्या मेरे पास समझ में आ रही है? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्या होता है, ज़्यादा प्रेफरेंस माना जाता है। ठीक है, तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन बेटर है इसका डिस्कशन हो चुका है ना। तो अब जरा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए करंट के कैलकुलेशन को जरा करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जब हम रेजिस्टर को पैरेलल वे में कंबाइन करेंगे तो उनमें करंट का फ्लो कैसे होगा, या करंट के फ्लो का रेट, या सॉरी करंट के फ्लो का जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि सीरीज में जितना बैटरी द्वारा करंट पास कराया जाएगा वही पूरी की पूरी करंट हर रेसिस्टर से पास करेगी, वहाँ नहीं ज़्यादा दिक्कत होती है। पैरेलल में चूंकि अमाउंट ऑफ करंट चेंज होते रहते हैं हर रेसिस्टर के अक्रॉस, तो उसको डिस्कशन करना जरूरी है। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, देखिए अभी मैं हेडिंग उसके लिए लिखूंगा तो समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारी होगी वो होगी क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है तो जाएगा समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की हमारे पास दो रेजिस्टर हैं, ठीक है, दो रेजिस्टर हमारे मान लो R1 और R2, ये पैरेलल एक दूसरे के पैरेलली क्या ही ज्वाइंट है, हम इनको ज्वाइन करा रहे हैं बैटरी से। ठीक है, तो मान लो इसमें करंट I1 फ्लो होगा कंफर्म, इसमें करंट I2 फ्लो होगा, समझ में आ रही बात। चलो बैटरी के टर्मिनल्स को नाम देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें यहाँ चेक क्या करना है, इशू समझ में आ रहा होगा, यहाँ चेक करना चाह रहे हैं कि अलग अलग यानी कि जब दो रेसिस्टर पैरेलल वे में ज्वाइन होते हैं कंबाइन होते हैं तो उस केस में अमाउंट ऑफ करेंट जो होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमारा आइकन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूंकि ये पैरेलल वे में ज्वाइंट है स्टूडेंट्स, चूंकि ये क्या है पैरेलल वे में ज्वाइंट है, तो यहाँ से जो टोटल करेंट होगा, टोटल करेंट यानी कि आई जो होगा वो आपका आई वन प्लस आई टू के बराबर रहेगा। याद आ रहा है, ये देखिए आई यहाँ से पास हो रहा है, आई वन प्लस आई टू। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनके हर रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप आता है वो क्या आता है स्टूडेंट्स, सेम आता है। तो क्या करेंगे हम, एक बार रेसिस्टर आर वन के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे, फिर आर टू के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे। तो हम किसके अक्रॉस फाइंड करना चाह रहे हैं, पहले अक्रॉस आर वन या रेसिस्टर, अक्रॉस रेसिस्टर आर वन, अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो बताइए वी इज इक्वल टू आपका मिलेगा आई वन इंटू आर वन, यहाँ से अगर आप I1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा V अपॉन R1। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा उसी तरीके से अगर हम R2 की बात कर लें या यू कहिए, ऐसे नहीं यहाँ से मत करेंगे, मैं बता रहा हूँ
इसको ये मत करिए, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करिए। आपको इतना पता है ना कि सीरीज में सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो सेम आता है, आता है ना। तो मान लीजिए पॉइंट ए है हमारा और ये पॉइंट बी है हमारा, है ना, ये पॉइंट ए दिख रहा होगा, इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लें। तो बताओ ये रेसिस्टर आर वन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ए माइनस वी बी, क्या आएगा, वी इज टू आई आर होता है फ्रेंड्स ना, तो आएगा आपका आई वन इंटू आर वन आएगा, कैसा नाम मान लें, वही जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप इस रेसिस्टर के अक्रॉस होगा वही इस रेसिस्टर के अक्रॉस भी होगा। तो अब किसके अक्रॉस बात करने चल रहे हैं, अक्रॉस रेसिस्टर आर टू, आर टू के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी वो क्या होगा, आई टू इंटू आर टू, क्वेश्चन नंबर दो। और इस स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि इन दोनों ये दोनों रेसिस्टर पैरेलल वे में ज्वाइंट है, तो इनके दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा तो यानी कि ये पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आई वन इंटू आर वन इज इक्वल टू आई टू इंटू आर टू, ये बराबर होंगे स्टूडेंट्स, कंफर्म बराबर होंगे, ठीक। अच्छा यहाँ से एक चाहे तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें, आई थिंक मैं कह रहा हूँ चलिए आई वन की वैल्यू निकालते हैं या आई टू की वैल्यू निकालते हैं। आई टू क्या आ जाएगा, आई वन इंटू आर वन होल डिवाइडेड बाई आर टू, क्या ये वैल्यू आएगी, समझ में आ रही है। यहाँ से आई टू को सेपरेट करेंगे तो आई वन इंटू आर वन अपॉन आर टू आएगा, आएगा ही आएगा, एक मिनट जरा हीट काफी आज हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स ये वैल्यू आएगी, तो अब एक काम कर सकते हैं आप, इस वैल्यू को वापस उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करने जा रहे हैं हम, पुट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉरी इस इक्वेशन में यहाँ से हम वापस रखना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई वन एज इट इज रहने देते हैं, आई टू की जगह क्या आ गया है, आई वन इंटू आर वन बाई आर टू, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आएगा, हम कुछ रिलेशन देखे निकाल रहे हैं, क्या रिलेशन समझ में आना चाहिए, आई वन यहाँ से क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा वन प्लस आर वन होल डिवाइडेड बाई सॉरी आर वन बाई आर टू, या यहाँ से आई की बात कर लें स्टूडेंट्स तो हो जाएगा आई वन, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर टू। क्या ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया, जो मैं ब्लू कलर के बॉक्स में करने जा रहा हूँ ये वाला एक्सप्रेशन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में वो आई और आई वन का जो रेशियो आप देखेंगे इस तरीके का मिलेगा, वही आई वन और आई टू का रेशियो देखेंगे तो उसको भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से देखते हैं आई वन डिवाइडेड बाई है ना आई वन रेशियो आई टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आई वन बाई आई टू चाहिए तुमको ना, तो आई टू को उधर ले जाओ आर वन को इधर लो तो आपको मिलेगा आर टू बाई आर वन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकाल के बताना निकाल चुके हैं। अब ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में दो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट जरा उस पर ध्यान दीजिए, ये ब्लू कलर के बॉक्स में जो दो रिजल्ट दिख रहे हैं, पहले बॉक्स में आपको दिख रहा होगा कि रेसिस्टर आर वन में जो करेंट फ्लो हो रहा है आई वन और रेसिस्टर आर टू में जो करेंट फ्लो हो रहा है आई टू उनका जो रेशियो है ना, एक्चुअली आर टू नहीं होगा ये आपका क्या है आर टू बाई आर वन होगा आर टू बाई आर वन। तो यहाँ ये क्या है एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं हम यहाँ से कि जो रेसिस्टर आर वन में करंट आई वन फ्लो हो रहा है और रेसिस्टर आर टू में जो करंट आई टू फ्लो हो रहा है उनका रेशियो अगर आप लेंगे तो वे उन्हीं के रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो के बराबर आते हैं। देखिए आई वन में आई टू करेंगे तो आर टू बाई आर वन आ रहा है, इन द सेम वे आप यहाँ से इनका रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कि ये करेंट अमाउंट ऑफ करंट का रेशियो है कौन से करंट का जो अलग अलग रेसिस्टर में अक्रॉस फ्लो कर रहा है, और ये किसके रेशियो मिलेगा, ये पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है उसका रेशियो फर्स्ट मतलब रेसिस्टर आर वन के अक्रॉस जो करंट हो रहा है उसके बराबर, चाहे तो आप आई टू के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पैरेलल वे में इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहाँ क्लियर दिखेंगी जब हम न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करने वाले होंगे तब। तो स्टूडेंट्स इसे इंगेज किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझ में आ गया। अच्छा याद रखिएगा हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यार ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से क्लियरली बस इतना पता चल रहा है, पता क्या काफी कुछ मालूम चल रहा है कि जब दो रेसिस्टर पैरेलल वे में कंबाइंड होंगे तो उनमें जो करेंट का मीन्स
करंट का रेशियो जो होगा, जो करंट में फ्लो होगा, वो हमने यहाँ दिखाया आपको, जो आप ब्लू कलर के बॉक्स में देख रहे हैं ये वही है। तो चलो अब ये चीज़ें हो चुकी है, तो हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम कॉम्बिनेशन लेंगे, मीन्स रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन करेंगे, हमारे पास पॉसिबिलिटी तो सारे ही करने को, मीन सीरीज में भी पैरेलल में भी, लेकिन हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है, चलो तो ये एडिंग हटाते हैं और अब हम देखिए नेक्स्ट एडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और वो हमारे लिए है, ठीक है, याद है ना, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर माना जाएगा कंपैरिजन देन सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो अब चलिए हम जरा डिस्कस कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये? नाम से क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी का स्टडी हमें करना है इस एडिंग के अंडर में। तो इसमें हम कुछ देखिए, हम कुछ लिख के समझना चाह रहे हैं। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, when an electric current passes through a bulb, या एक और चीज, when an electric current passes through electric iron। ये दो चीजें देख रहे हैं क्या करा जा रहा है, एक में इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं हम बल्ब से, और एक में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं वो जो कपड़े आयरन करने वाले आते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, उससे। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग इस दोनों केस में, पता है क्या ऑब्जर्वेशन होगा? बल्ब वाले केस में क्या होगा, इट ग्लोस एंड गेट्स लाइट, ये ग्लो करने लगता है और लाइट क्या करने लगता है, प्रोड्यूस करने लगता है। जबकि इलेक्ट्रिक आयरन के केस में क्या होगा, इट गेट्स हीट, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो देख रहे हैं करंट, हम दोनों में करंट ही पास करा रहे हैं, लेकिन डिवाइसेस अलग होने की वजह से इनका फंक्शन भी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और जाहिर सी बात है हम जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फंक्शन क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, वह इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये इस एग्जाम्पल से हम ये समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो ये समझेंगे अभी क्या होता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, है ना, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से जब हम करंट पास कराएंगे, तो करंट के पास करने से वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करता है, कुछ हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, करंट पासिंग होने से वो कुछ हीट प्रोड्यूस करता है उसमें से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हम एग्जांपल में आपके सामने दिखा रहे हैं कि अगर हम बल्ब से पास कराएंगे इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, तो क्या करेगा, ग्लो करेगा, और अगर वही आयरन से पास कराते हैं तो क्या करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से आप डिफाइन करेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इसके लिए डिफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, passes through any electrical appliances, then it gets warm and produces heat. This phenomena is called heating effect of electric current. Heating effect of electric current. ठीक है प्रोसेस, डियर स्टूडेंट्स देखिए वो मैंने जो डिफाइन किया उसमें, तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास कराते हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उस इलेक्ट्रिक करंट को गेन करने के बाद कुछ ही देर बाद वो क्या करने लगता है,
हीट प्रोड्यूस करने लगता है। इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो बल्ब वाला इलेक्ट्रिक करंट वाला एक बेटर एग्जांपल है। चलो ये तो हुआ ठीक है, इनका स्टेटमेंट फॉर्म समझना वगैरह करना है, लेकिन हम कैलकुलेशन के थ्रू कैसे पता लगाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि किस तरीके से किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो उसके लिए अपनी हेडिंग हमारी होगी, जो भी है हेडिंग, सिंपली हम इतना समझ लीजिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम मेजरमेंट देखेंगे। मेजरमेंट देखने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, जैसे करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले थे आई इक्वल टू क्यू बाई टी, था ना, इन द सेम वे उसी तरीके से हमारे पास इसके लिए भी कुछ फॉर्मूले होंगे। लेकिन इसके लिए पहले एक समझेंगे एक चीज, देखिए हम याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ पे जब बात करें हमारा बैटरी है कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, स्विच है वहाँ से पास हो रहा है, फिर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मान लो आपने बना दिया है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से करेंट पास करा रहे थे, सॉरी उल्टा हो गया है ना, यहाँ से जब आप करेंट पास करा रहे थे तो हमने क्या कहा था, करेंट पास होने का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। चार्ज फ्लो होने के लिए कौन जिम्मेदार था, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, इस बैटरी या सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उस चार्ज को फ्लो करा रहा था। तो पता है इस केस में होता क्या, जनरली हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, एक्चुअली हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या कंज्यूम नहीं कहेंगे प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हीटिंग ये जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जो जिसमें हम करंट पास करा रहे हैं उनमें से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यानी कहें कि प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे, और कोई फॉर्मूला बनता है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए समझिए। हमको ये पता है कि चार्ज को क्या करना है भाई, चार्ज हमको ये पता है ना कि असेल डू वर्क टू मूव अ चार्ज हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द टर्मिनल्स भाई। सेल एक्चुअली क्या करता है, सेल यहाँ से आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो होता है, तो चार्जेस का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो जब चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हुए पूरी सर्किट में जाते हैं, तो इस दौरान एक्चुअली होता क्या है, इस सेल को जो यहाँ पे लगा हुआ है भाई ये बैटरी, इसको वर्क करना पड़ता है उस चार्ज को एक से मतलब टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, इस सेल को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो ये वर्क करने के लिए अपने अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है उसी का यूज करता है, आप समझ रहे हैं, इस सेल के अंदर या बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी मौजूद है उसी केमिकल एनर्जी को बार बार यूज करके क्या करता है, इस चार्ज को यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं एक्चुअली अपने आप नहीं फ्लो हो रहे हैं, इसको क्या कर रहा है, ये बैटरी अपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से क्रिएट कर रहा है ये पता होगा, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अपने केमिकल्स में है ना, इसके अंदर केमिकल्स बड़े होते हैं, तो केमिकल्स में ये जो आयन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं इन आयन के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन के रिजल्ट क्या होता है, उस रिएक्शन के रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से ये सेल या बैटरी इस चार्ज को एक पॉइंट से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या करती है, फ्लो कराते हुए ले जाती है। यानी सीधा कंक्लूजन हम ये समझेंगे, कहेंगे कि चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए इस बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ता है। तो अब याद रखिएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ से मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और बैटरी भी यानी कि सेल भी इसको वर्क कर रही है यहाँ से वहाँ ले जाने में, ठीक है, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में वर्क कर रही है। तो इस दौरान इस सेल को क्या करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मेरी बात समझे स्टूडेंट, इस पोटेंशियल सेल को इस चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के दौरान जो वर्क करना पड़ता है वही अमाउंट ऑफ वर्क इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस एक्चुअली वर्क डन जो होता है पता है किसके बराबर होता है, जनरली
होता है ये आपका क्यू इंटू वी के बराबर होता है, जानते हैं ये वर्क डन क्यू इंटू वी के बराबर होता है। और आगे हम क्या कहते हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ है नहीं, ये इस सेल द्वारा किया गया एक वर्क है। कौन सा वर्क, जिसमें वह चार्जेस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में करता है। तो वही वर्क उस चार्ज में, जो चार्ज मूव कर रहा है ना, उन्हीं चार्ज के पास वो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और कुछ देर बाद और फिर क्या होता है, दिस एनर्जी यानी दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू कही एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होती है, यही बाहर आती है। तो अब समझ में आई बात कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, तो उसमें जो प्रोड्यूस होता है हीट, वो कहाँ से होता है, उसके लिए पूरा प्रोसेस जिम्मेदार होता है। कौन सा प्रोसेस है कि सेल क्या करेगा, बैटरी चार्जेस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में वर्क करेगा। वही वर्क उन चार्जेस के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और कुछ देर बाद वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होता है, लिबरेट होता है, या यूं कहिए प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए। तो चलिए अब उस फॉर्मूले का कैलकुलेशन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं और यहाँ से मेन फॉर्म उठाएंगे इसको। तो ये इरेज किया जाना चाहिए, इसे रहने देते हैं, साइड में बता देते हैं। तो देखिए अभी चूंकि ये वर्क डन सेल कर रहा है, और ये वर्क डन किसमें स्टोर हो रहा है, एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम एक नया टर्म यूज कर रहे हैं, सिंबल है वो यू, है ना, यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, इसे इक्वेशन वन मानेंगे, है ना। ये वही एक्सप्रेशन है, वर्क डन बाय सेल वाला एक्सप्रेशन ही हम यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या प्रोड्यूस के फॉर्म में लिख रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि यही वर्क डन कुछ देर बाद किसमें चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आएगा, तो यहाँ से यूज कर लो क्यू इंटू वी, ठीक। एक तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। अगर आप यहाँ से क्या करें, खैर अभी सर्कल रेक्टेंगुलर नहीं बनाते, क्या करते हैं, यहाँ से हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है स्टूडेंट्स। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी वापस इसमें रखेंगे, तो जो यू आएगा वो आपका आएगा आई इंटू टी इंटू वी, या यू कहिए जो यू का फॉर्मूला आएगा V into I into T, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी एक्सप्रेशन जी के, अब हम क्या करेंगे, V की जगह हम एक और जानते हैं बाई ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V is equal to I into R जानते हैं। यहाँ से U क्या आ जाएगा, V की जगह वैल्यू रखिए स्टूडेंट्स आई आर into I into T, आई आर कैलकुलेट ये मल्टीप्लीकेशन होके आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्या मेरे पास समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही ना, ये चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर यही है। तो देखिए जो बॉक्स में हम कर रहे हैं सारे फॉर्मूले एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, ठीक है। चूंकि अभी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस चार्ज के पास, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने बताया ना कि यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होती है, लिबरेट होती है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम एच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। यानी जब एच के फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब यह है कि अब हम हीट प्रोड्यूस होने लग रहा है, है ना। अभी तक ये यू के फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ये जो एनर्जी है वो भी चार्ज के पास मौजूद है, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको इरेज करते हैं, तो अब देखेंगे हम कि ये जो बार बार हम करेंगे जो सर्कुलर यानी कि हम जो ब्लू कलर से बॉक्स किए हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है, ठीक है। अब इसी में इरेज कर रहा हूँ, तो इसी को हम देखिए किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, हीट प्रोड्यूसर हीट हीट प्रोड्यूस्ड के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो देखिए यही जो फॉर्मूले हैं ये आपके बन जाते हैं, एक्चुअली एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हीट प्रोड्यूस, यानी हीट प्रोड्यूस के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन के सामने आ गया। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, एक खास बात होता है, इसी को एक नाम दिया जाता है, इस एक्सप्रेशन को नाम दिया जाता है एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक अदर नाम दिया जाता है, तो लोग बोलते हैं इसको,
तो यही एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ से एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्या द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू इट, है, और द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एंड अगेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट सॉरी टाइम थ्रू विच या टाइम इन विच करेंट इज फ्लो। तो देख रहे हैं यहाँ से ये आपके पास तीन रिलेशन मिल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, जो इस लॉ ऑफ हीटिंग से हमें क्लियर दिख रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जो अमाउंट ऑफ करेंट प्रोड्यूस सॉरी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वो करेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने टाइम के लिए करेंट फ्लो हुआ है उस सर्किट से या यूं कहिए कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट होता क्या है, और जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से हीटिंग ये हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको फाइंड करने के लिए उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये सारे एक्सप्रेशन मौजूद हैं। किसी भी तरह का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस तरीके का इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा हम उस तरीके को यूज करके अपना भाई काम चलाएंगे और क्या, ठीक है। हाँ, इसमें एक खास बात आपको ये जानने को मिली कि ये जो एक्सप्रेशन है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इनटू टी, इसको स्टूडेंट्स एक नाम दिया जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, तो चलिए अब इसको भी इरेज करते हैं और अब देखिए हम इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हैं ना, तो हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई ना, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स है हमारा न्यू हेडिंग क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इसके लिए भाई क्या है, अब देखो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब कुछ ये भी एक टर्म है जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में जो हमने कुछ एक्सप्रेशन अभी सामने लिखे थे उन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इनको डिफाइन करेंगे। तो इनका डिफिनेशन कुछ इस तरीके से चलता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर सेकेंड, है ना, ये यू कहिए द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर सेकेंड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पावर। शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, भी लिख रहे समझ में आएगा, इसके लिखेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, कंज्यूम्ड पर सेकेंड बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंस या सिंपली इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो डिफिनेशन जरा देखिए और समझिए क्या उसमें कहा जा रहा है। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए उनके और कोशिश करिए कि क्या वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ लिया होगा क्या था। देखिए इसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम सीखा, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा था किसी सर्किट या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा था जो हमारे पास वी इंटू आई इंटू टी या आई स्क्वायर आर इंटू टी आ रहे थे, वो तो वही एक्सप्रेशन थे। तो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा पर सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, पर सेकेंड में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है उसी अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अगर आप इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना चाहेंगे तो जनरली हम लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई पी, चूंकि पी के लिए लिखेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, तो फिलहाल हम अभी इसको डब्ल्यू बाई टी लिख रहे हैं। अब कैसे क्यों ऐसा कर रहे हैं समझिए, हम पता है ना कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस चार्ज में स्टोर होता है किसकी वजह से आता है, ये वो जो शेल वर्क करता है वही वर्क उस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो हम डब्ल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या यू अगर आप आगे बढ़े तो पावर। और आप अभी आप देखें पावर इज इक्वल टू, एक और आपके सामने फॉर्म लाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आपने देखा था क्यू इंटू वी बाई टी, ठीक, एक ये भी एक्सप्रेशन सामने बन जाएगा, या क्यू की जगह आप क्या रख दीजिए आई इंटू टी रख दीजिए, तो आई इंटू टी रखेंगे तो यहाँ से
चूंकि हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी भी होता है ना, आई बाई टी नहीं होता एक्चुअली, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू अमाउंट ऑफ करेंट है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से बताइए पावर क्या जाएगा, आई इंटू टी इंटू वी होल डिवाइडेड बाई टी, टी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पावर के लिए फॉर्मूला आपका आएगा वी इंटू आई। देखिए पावर के लिए फॉर्मूला बन गया, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू करेंट या अमाउंट ऑफ करेंट। चाहे तो आप भी इलेक्ट्रिक पावर की एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर रख दीजिए है ना, आप क्या जानते हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर जानते हैं, तो रख दीजिए वापस यहाँ से, पावर क्या जाएगा आई आर, वी की जगह आप क्या रखेंगे आई इंटू आर, आई स्क्वायर आर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर आर भी एक एक्सप्रेशन सामने बन जाएगा, और आई की जगह आप चाहें तो वी बाई आर भी रख सकते हैं, या फिर यू कहिए यहाँ से आई इंटू टी में आई की जगह आप रख सकते हैं वी बाई आर, तो वी टी बाई आर जो कि एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के भी आपके पास कई सारे एक्सप्रेशन हैं, आप किसी का भी यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस तरीके का इन्फॉर्मेशन गिवन है और आप क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो वहाँ पे। तो चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट था। अच्छा अब ये तो ठीक है, डिफिनेशन थी इनका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देखा, लेकिन मीनिंग क्या होगी इनकी, मीनिंग भी तो कुछ होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूनिट की बात कर लें, फिर बात मीनिंग की बात करते हैं। यूनिट अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक पावर की, तो इट्स यूनिट इज क्या होगा, वो डब्ल्यू बाई टी के हिसाब से बताओ पावर की जो यूनिट आनी चाहिए, वर्क डन होता है आपका जूल में मेजर किया जाता है टाइम सेकेंड में, तो पावर की एक यूनिट आपके पास सामने आई जूल पर सेकेंड। देख रहे हैं बॉक्स में जो हम कर रहे हैं, जूल पर सेकेंड एक यूनिट है, और साथ ही साथ जूल पर सेकेंड को एक नाम दिया जाता है, वन जूल पर सेकेंड को एक नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स वन वाट, यानी पावर की एक न्यू डिफिनेशन, एक नया यूनिट सामने आया वाट, स्टैंडर्ड इसका क्या होता है यूनिट वाट, और एक वाट इज इक्वल टू क्या होते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वन वाट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक पावर का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने मौजूद है, ठीक है, होता क्या है इसके लिए अलग अलग एक्सप्रेशन भी यहाँ पे हैं, और इसके यूनिट का भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। अच्छा अब यहीं पे अगर हमने पावर जान लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, अब इसे मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे की तरफ भी बढ़ना है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं जो एक्सप्लेन करने हैं, तो ऐसे बाकी हैं तो भाई एक्सप्लेनेशन किया जाए। चलिए तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर हम जान चुके हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पावर रेटिंग एक वर्ड आता है, पावर रेटिंग, जनरली कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आपने इसको देखा होगा, पावर रेटिंग क्या होता है एक्चुअली, पावर रेटिंग क्या है नहीं ये समझ लेते हैं इसको। पावर रेटिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप यार इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई खरीदने जाते हैं, सबसे कॉमन सा एग्जांपल हम बात करें तो आप बल्ब जा मान लीजिए मार्केट से खरीदने जा रहे हैं, तो आप जब बल्ब खरीद करके लाते हैं तो आपको वहाँ पर पता है उस बल्ब के पे आप एक रेटिंग जनरली हमेशा देखते होंगे, वाट और वोल्ट की है ना, डिजिट के साथ एक रेटिंग आती है। जैसे मैं एक्सप्लेनेशन एक बात करूँ कि एक रेटिंग मेरे सामने है 60 वाट 220 वोल्ट, इस तरह की बहुत सारे अलग अलग रेटिंग आते हैं डिपेंडिंग अपन अप्लायंस कैसा है आपका, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैसा है। तो 60 वाट 220 वोल्ट क्या ये इसके एक्चुअली ये पावर रेटिंग है ना, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा हमारा उसकी पावर रेटिंग यहाँ ही है। अब इससे हम क्या मीनिंग निकालेंगे, तो इसके पता है से क्या मीनिंग निकालेंगे हम, इट मीन्स वेन This appliance, when this appliance is applied, when this appliance applied potential difference of 220 volt, then It will consume electrical energy at the rate of 60 watt
16 वाट, मतलब समझ रहे हैं कि अगर हम ये जो अप्लायंस जिसके करस्पॉन्डिंग पावर रेटिंग दी है, अगर हम इसको 220 वोल्ट का क्या करें, पोटेंशियल अप्लाइड कर दें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दें, तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करेगा, 60 वाट की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करना शुरू करेगा। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा और क्लियर समझते हैं। यहाँ हम एक बात करते हैं 100 वाट का, एक बार बात करते हैं 100 वाट सिंपल, तो 60 वाट भी समझ में आ जाएगा। 100 वाट का मतलब है कि दिस गैजेट कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। तो समझ गए स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि वाट को जूल पर सेकेंड के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो इसका ये 100 वाट लिखा होता है, 20 वाट या 50 वाट, इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल गैजेट पर सेकेंड में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। यानी 60 वाट लिखा है तो वो पर सेकेंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अगर 60 वाट लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो पर सेकेंड 60 जूल एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो आई होप आपको पावर रेटिंग इस तरीके से लिखे होते तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पावर के कैलकुलेशन से घबराया नहीं, पावर कितना किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट का पावर कितना कंज्यूम हो रहा है उसके लिए हमारे पास इसके पहले ढेर सारे एक्सप्रेशन थे, हम वहां से यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पावर रेटिंग का क्या मीनिंग है इसको समझना बहुत जरूरी है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब पावर रेटिंग चूंकि अब हम जान चुके हैं, तो अब हमारा बस एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, आई थिंक वो होगा आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, है ना। मींस हम अपने डेली लाइफ में जो घरों में ऑफिस में इतने इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज कर रहे होते हैं, तो वे सभी के सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते ही करते हैं, है ना। तो अगर कंज्यूम करते हैं तो कितना हमें एक्चुअली पे करना होता है गवर्नमेंट को, उसका कॉस्ट होता है, उसका कैलकुलेशन जरा कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं एक्चुअली, चलिए इसे एरेज कर दें। अब हम पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, है ना, कॉमर्शियल यूनिट जो रेटिंग होगी हमारी वो क्या होगी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। पता है स्टूडेंट्स ये क्या होने, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरली आपको पता भी होगा क्या होती है, किलोवाट आवर। क्या होती है स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, KWH, किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वन किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1000 वाट is used for one hour। ये समझ में आया फ्रेंड, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी रेटिंग क्या है 1000 वाट है, यानी 1000 वाट वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर आप एक घंटे तक यूज करेंगे तो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, 1 किलोवाट आवर नाम देंगे। ये कॉमर्शियल यूनिट इसलिए बोले जा रहे हैं कि इसलिए क्योंकि जब हम वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जब हम पे करते हैं तो उस वहाँ पे जो यूनिट यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, वो किलोवाट आवर ही होती है। तो एक 1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 वाट वाला अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, पावर वाला 1000 वाट पावर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 आवर तक यूज़ किया जाए तो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ याद रखेंगे हम कि एक और खास बात
वन किलो वाट आवर को एक और नाम से जाना जाता है, वन किलो वाट आवर को हम बोलते हैं वन यूनिट के भी बराबर होता है। ये नहीं बोलते हैं घरों में जनरली कि आज 15 यूनिट का बिजली का बिल आया है वन मंथ में, या 20 यूनिट का बिजली का बिल आया है। तो यूनिट वहाँ पे जो टर्म कॉमन बोलचाल भाषा में यूज किया जाता है, यूनिट का मतलब होता है वन किलो वाट आवर। तो क्या स्टूडेंट इतनी समझ कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक पावर समझ में आया किलो वाट आवर क्या होता है। अच्छा अब चूंकि एक चीज और यहाँ पे वन किलो वाट आवर में एक रिलेशन देख लेना चाहिए हम लोग को, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको देखो दिखा रहा हूँ, वन किलो वाट आवर है ना, या वन किलो वाट आवर हटाइए इसको अलग से बता देते हैं, ठीक है इतना पूरा रेस कर रहे हैं, इतनी चीजें समझ में आएगी ना। चलो अब देखिए जरा सा क्या हम डिस्कशन करना चाहते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है जो हम करना चाहते हैं वो है हमारा कि किलो वाट आवर को हम चाह रहे हैं कि जूल पर सेकेंड में बदलें, कभी कभी काफ़ी हमेशा काम देता है, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किलो वाट आवर को किसमें, जूल पर सेकेंड में। कन्वर्जन हो सकता है, आसानी से हो सकता है, कैसे आसान तो है, वी नो दैट हमें क्या पता है, वन किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या, किलो वाट का मतलब क्या आपको पता है, जब भी हम किलो शब्द का यूज करते हैं यानी कि हम कौन से फैक्टर का बात कर रहे होते हैं, थाउजेंड फैक्टर की बात की जाती है, ठीक है। तो वन किलो वाट का मतलब होता है थाउजेंड वाट है ना पर आवर होता है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे आपको थाउजेंड वाट ना, हंड्रेड वाट कहाँ से किसने लिख दिया, थाउजेंड वाट पर आवर, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा वाट पर आवर है, हमको जूल पर सेकेंड चाहिए, और आपको पता है कि वन वाट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड होता है, इसका बात याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस थाउजेंड को रहने देते हैं, इनटू वाट को हम लिखना चाह रहे हैं जूल पर सेकेंड, वाट को हमने जूल पर सेकेंड लिख दिया, लेकिन अभी भी अपॉन में इसके क्या है, आवर है, हम आवर को भी किसमें बदलना चाहेंगे, मिनट में बदलना चाहेंगे। तो बताइए जब आवर को आप मिनट में बदलेंगे, समझ में आ रही बात, तो क्या करना पड़ेगा, वन आवर था मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मिनट में हो चुका, लेकिन सेकेंड में चाहिए, तो इस मिनट वाले टर्म को किसमें बदलना पड़ेगा, हमको सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। यानी इस वाट की जगह हमने जूल पर सेकेंड को एज इट इज रख दिया, और वन आवर को हमने क्या बदल दिया, सेकेंड में बदला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करके सेकेंड में बदलना पड़ेगा, अगेन 60 से। तो यहाँ से बताइए एक टर्म आपके सामने मौजूद दिखता हुआ आ रहा है, वन किलो वाट आवर इज इक्वल टू थाउजेंड इंटू 6 6 36 हंड्रेड इंटू जूल पर सेकेंड, जरा एक्सप्रेशन इधर उधर करिए, तो ये आपका जाएगा 3 6 1 2 3 4 5 जूल पर सेकेंड, देख रहे हैं स्टूडेंट। या यू कहिए वन किलो वाट आवर इज इक्वल टू डेसिमल में लिखेंगे 3.6 × 10⁻⁵ 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड। ये भी एक्सप्रेशन जनरली बार बार लोग पूछते हैं कि कन्वर्ट वन किलो वाट आवर इंटू जूल पर सेकेंड, तो आपके सामने मौजूद है क्या है वो 3.6 × 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड, कंफर्म हुआ स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने कॉमर्शियल यूनिट भी देख ली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो कि किलो वाट आवर रही, और एक किलो वाट आवर और जूल में कितना रिलेशन होता है वो भी हमने देख लिया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आज इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर यही था थ्योरी वाला, ठीक है वो ये फिनिश होता है, जितनी थ्योरी की बातें थी हमने कर ली हैं, अब अपने सिलेबस के हिसाब से जितनी भी थी सारा डिस्कशन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आएंगे मिलेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल, छोटे पॉइंट से न्यूमेरिकल लेकर के स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, वो हो सकता है दो या एक या दो वीडियो उसमें लगें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।